नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे सोने की और चांदी की। तेजी है लेकिन रफ्तार बहुत तेज नहीं है। और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, अजय केडिया हमारे साथ जुड़े हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर सोने में और चांदी में आज इस भाव पर? नमस्ते विजय जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते के जो अपडेट आए थे इन्फ्लेशन नंबर के, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी तेजी बनी थी। बट जैसे हमने कहा था स्लो रहेगा, क्योंकि आगे हमने देखा कि आज सुबह येलेन जो सेक्रेटरी ट्रेजर है उनकी स्पीच आई थी कि ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन को लेकर, जिसके बाद इंटरनेशनल में तो मार्केट में गिरावट है, बट आज रुपए की गिरावट के चलते कहीं ना कहीं सोने और चांदी में जम मिला है। तो मुझे लगता है अपसाइड लिमिटेड है, लेके चल सकते हैं, बट 52,800 तक का लेवल हम गोल्ड में देख रहे हैं और 62,500 तक का लेवल चांदी में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये राय सोने और चांदी पर आज के लिए बाइंग की राय। 52,800 का टारगेट गोल्ड का और 62,500 का टारगेट चांदी का। अब आते हैं क्रूड पे। और क्रूड में हालांकि इस वक्त मार्केट ग्लोबल मार्केट में दबाव में है, MCX पर बहुत ही मामूली तेजी है 25-30 रुपए के आसपास की। तो क्या रेंज के इस मार्केट में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है अजय जी इस वक्त? बिल्कुल, डोमेस्टिक मार्केट में जैसे मैंने कहा कि पिछले हफ्ते में हमने जो रुपए में एक एक बड़ी मजबूती देखी, उसके बाद रुपए में गिरावट ये हफ्ते लग रही है जो डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करे। साथ में रशिया में भी जो हमने एक्सपोर्ट्स पे थोड़ी कमी आने की बातें हो रही है, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो आई थिंक एक पुल बैक जो एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है। 61.60 के ऊपर जाने पे लेके चलिए, 7,200 से 7,300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, अच्छा, ओवरऑल पूरे मेटल में ठीक ठाक तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में। चाइना ओपन अप की खबरें आ रही हैं तो वहां से डिमांड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। डॉलर वीक हुआ उससे सपोर्ट मिला है। आज के लिए जिंक में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, कॉपर जिंक में थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज कल जो चाइना से नंबर आने वो थोड़े से मुझे लगते हैं कि खराब रह सकते हैं। तो ऑलरेडी प्राइसेस ने रिट्रेस जरूर किया है, छोटी क्वांटिटी देखकर बाइक कर सकते हैं। कॉपर और जिंक में अभी भी फंडामेंटल अच्छी है, जहां पे मुझे लगता है 280 तक के लेवल तो हम जिंक में देख पाएंगे और 708 जो मैंने शुक्रवार को भी बताया था वहां तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए अगला 2 दिन बेस मेटल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चाइना से नंबर अगर उम्मीद के हिसाब से खराब आते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में वापस सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्वार की, और आज ग्वार कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। 5% के आसपास की तेजी है ग्वार सीड में, ग्वार गम में। अब आप जरा बताइए अजय जी कि इस वक्त क्या करें, क्या और तेजी बाकी है या आपको लगता है कि अब यहाँ पर मार्केट रुकेगा? मुझे लगता है कि तेजी अभी स्टार्ट हुई है। जैसे हमने हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से बताया था कि नवंबर फर्स्ट वीक से तेजी स्टार्ट होगी, और ये हम लगभग देख ही रहे हैं कि पिछले 10 दिनों के अंदर लगभग 10% के करीब की तेजी हम देख चुके हैं। नो डाउट जो 5-5% की तेजी आ रही तो आदमी घबरा जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी कभी, बट फंडामेंटल मुझे लगता है डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 5,650 का रहेगा गवार सीड का, और गवार गम में मुझे लगता है 11,000 से 11,100 तक के टारगेट देख पाएंगे। ओके, ठीक है, 11,000 तो इनफैक्ट आ भी गया, मतलब आने के करीब है, 30-35 रुपए बचा है। कुछ रिवाइज करेंगे टारगेट आप अपना अजय जी? बिल्कुल, अगर 10,800 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रह जाता है तो मुझे लगता है कि 11,100 से लेके 11,400 तक के रिवाइज टारगेट रहेंगे। बट अगर 2-3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो 13,000 तक के भी लेवल गवारगम में दिखा देंगे, बट वो जनवरी एंड तक के टारगेट। ठीक है,